आज मैं आपको ये बेहतरीन रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, कच्चे आम की चटनी। तो अगर आपने सीखना है इतनी प्यारी रेसिपी, कच्चे आम की चटनी मैंने कैसे बनाई, तो वीडियो को पूरा देखें। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए आपने एक पैन लेना है सबसे पहले, और इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून साबुत जीरा और 4 साबुत लाल मिर्च। इनको स्लो गैस में आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। आप धनिया और जीरा मिर्च रोस्ट करके डालें, तब आपकी चटनी में बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा रोस्ट कर लूँगा, आप भी कर लें। जीरा और धनिया भूनने के बाद आपने एक बर्तन में निकाल लेना है, ताकि ये ज़्यादा लाल ना हो जाए, जल ना जाए। और जब आप ये चटनी में डालेंगे ना, तो इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना, जिसका कोई जवाब नहीं। अब आपने क्या करना है, ऐसे ये दोनों रोस्ट करने के बाद आपने लेना है एकदम हरा धनिया 200 ग्राम, और धनिए को आपने इस तरीके से पहले साफ़ कर लेना है। देखिए इसमें घास ना हो, और ऐसा जो भी काला काला धनिए के पत्ते हैं ना, इनको आपने निकाल देना है। सभी धनिया इसी तरीके से साफ़ कर लें। धनिया साफ़ करने से क्या होता है, चटनी और भी बेहतरीन बनती है, कलर अच्छा आता है, और घास या कोई भी चीज़ आपकी चटनी में होती नहीं है। देखिए इस तरीके से आपने सभी धनिए के पत्ते अच्छी तरीके से साफ़ कर लेने, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ज़रूरी साफ़ करें, ऐसे ही ना काट दें, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सभी धनिए ऐसे साफ़ करने के बाद अच्छे से आपने क्या करना है, इनको काट लेना है। सबसे पहले ये चीज़, ये देखिए, काट के निकाल दें, ये ना डालें। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे देखिए मोटे मोटे धनिया काटने, इस तरीके से जैसे कि मैंने काटे, और आपने इनको उठा के एक बॉल के अंदर डाल देना है, देखिए इस तरीके से। और आपने इस बॉल में डाल देना है पानी ढेर सारा, ऐसे, ताकि धनिए में जो भी मिट्टी हो वो नीचे चली जाए। इसके लिए आपने ज़्यादा पानी डालना है, ऐसे। आप इसमें और भी पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा, यहाँ तक भी भर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर क्या डालना है, और पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते आपने कम से कम 50 ग्राम डालने हैं, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये आम की चटनी है, इसके लिए आपने पुदीना थोड़ा ही डालना है, धनिया ज़्यादा डालना है, ये देखिए। और पत्ते ऐसे तोड़ के डालें, जड़ के साथ ना डालें, आप थोड़ी मेहनत करें। अगर आपने अच्छी चटनी बनानी है तो पत्ते तोड़ के डालें। पत्ते तोड़ने से क्या होगा, आपकी चटनी काली नहीं पड़ेगी, और चटनी में टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। जड़ डालने से क्या होता है, चटनी का कलर ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपने ऐसे पत्ते तोड़ के डालने, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, मेहनत करनी है। अगर आपने अच्छी चटनी बनानी है तो मेहनत करने से क्या होता है, आपका खाना हमेशा ही अच्छा बनता है। तो ऐसे पत्ते तोड़ें। ऐसे पत्ते तोड़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस बॉल में डाल देना है जिसमें आपने धनिया भिगा के रखे थे, और थोड़ा पानी डाल दें, देखिए इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक दो बार अच्छे से धो के एक छलनी में डाल दें, ताकि सारा पानी निचुड़ जाए, और 2-3 बार अच्छे से धो लें। ज़रूरी है धोना, क्योंकि धनिया या पुदीने में हल्की सी मिट्टी होती है, इसके लिए आप अच्छी तरीके से धोएं। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने छलनी में धनिया और पुदीना धो के रख देना है। अब आपने क्या करना है, इसकी दूसरी तैयारी कर लेनी है। 2 प्याज लेना है आपने, छोटी छोटी, और इनको ये देखिए इस तरीके से ऐसे रफली काट लेना है, ऐसे जैसे कि मैं काट रहा हूँ। प्याज काटने के बाद आपने 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लेना है, और इस तरीके से छील लेना है, जैसे कि मैं छील रहा हूँ, और इसको ऐसे देखिए छोटा छोटा काट लेना है, जैसे कि मैंने काटा। और आपने 10 लहसुन की कलियाँ छील के रख लेना है, ये मीजा करके रख लें। उसके बाद इस तरीके से काट लें, अगर इसके अंदर जाली है तब तो आपने ऐसे काट लेना है, देखिए ऐसे, इसको जाली बोलते हैं। और जाली नहीं है तो आप सीधे ऐसे भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अब ये देखिए एकदम पतली सी जाली थी, तो ये कट गई नाइफ से, तो मैं इसको निकाल दूंगा ये, और इसको छोटा छोटा काट लूँगा, ताकि जब मैं इसको मिक्सी में पीसूँ तो मुझे तकलीफ़ ना हो। ये देखिए ऐसे आपने
छोटा छोटा काट लेना है। मैंने ज़्यादा ही डिप काट दिया। इस तरीके से काट लें जैसे कि मैं काट रहा हूँ, छोटा छोटा। काटने के बाद क्या करेंगे आपको दिखाता हूँ। सारी तैयारी करने के बाद आपने एक मिक्सी का जारा लेना है, जैसे कि मैंने लिया, बड़ा वाला लें, और इसके अंदर आपने सबसे पहले डाल देना ये पुदीना और धनिया, ताकि ये हल्का होता है। इसके ऊपर भारी भारी चीज़ें डालेंगे तो ये बैठ जाएंगे। सभी डाल दें आप। उसके बाद ये कच्चा आम, ये देखिए इस तरीके से डाल देना आपने। अदरक और लहसुन, प्याज जरूरी है, धनिया, जीरा और लाल मिर्च जो हमने रोस्ट करके रखी थी, और इसमें आपने डालना है 4 हरी मिर्च ऐसे तोड़ के। देखिए ये सारी चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी ठंडा, कम से कम 1 कप। सारी चीजें डालने के बाद इस तरीके से बंद करना है, देखिए, और इसको पीस लेना है। ये देखिए कितनी प्यारी चटनी हुई है, एकदम मस्त, और इसका कलर आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है जो इस चटनी की, वो है इसकी थिकनेस। देख रहे हैं ना आप क्या बेहतरीन थिकनेस हुई है। तो आपने पानी उतना ही डालना है जितना कि मैंने डाला, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपकी चटनी की थिकनेस खराब हो जाएगी और आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको ये चटनी एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ, ताकि आपके मुँह में पानी आ जाए और फटाफट आप चटनी बनाने की तैयारी करने लगें। ये देखिए चटनी की खूबसूरती, देख रहे ना आप। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। अब आपने ऐसे एक बॉल में रख के इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगा के आपने आराम से इसको फ्रिज में रख देना है, कम से कम 1 हफ्ता चलेगी, और आपने रमजान भर इस चटनी का लुत्फ उठाना है पकौड़ों के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।